सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर सोमवार की शाम दुष्कर्म की अत्यंत घिनावनी और लोमहर्षक घटना हुई। पुलिस स्टेशन के करीब ही कूड़ा बिनने वाले एक युवक ने नगर के एक वार्ड में खेल रही दो अबोध बच्चियों में से एक के साथ दुष्कर्म किया और दूसरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास में था कि पकड़ लिया गया। पीड़ित बच्चियां 5 से 7 वर्ष की हैं। आरोपी को तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना की सारे शहर में निंदा हो रही है। लोगों ने ऐसे हैवान को कड़ी सजा देने की मांग की है। जानकारी के अनुसार शहर के एक मोहल्ले में 7:30 बजे 5 और 7 साल की दो बच्चियां आपस में खेल रही थीं। बताया जा रहा है कि इसी बीच एक कूड़ा बिनने वाला युवक वहां पहुंच गया और मौका देखकर दोनों बच्चियों को बहला फुसलाकर एक स्थान अंधेरे और सुनसान स्थान पर ले गया, जहां उसने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और दूसरी के साथ दरिंदगी करने की कोशिश कर रहा था। तभी कुछ लोगों की नज़र पड़ गई और शोर मचाते हुए उसे पकड़ लिया। तब तक भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों बच्चियों को लेकर इलाज के लिए चली गई, वहीं आरोपी को पकड़कर थाने ले गई। आरोपी का नाम खुर्शीद है तथा वह लगभग 30 वर्ष का है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह थाने पर पहुंच गई। उन्होंने घटना के बारे में जानकारी ली, SO को केस दर्ज करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुलिस दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धारा में केस दर्ज कर मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। SP प्राची सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और दूसरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ है। आरोपी के खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज 24 जून 2024 को थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर अंतर्गत खजूरिया गांव पड़ता है। वहां के रहने वाले व्यक्ति हैं जावेद। उन्होंने ये सूचना दी कि उनकी 4 साल की बेटी और उनके भाई की 4 साल की बेटी बाहर खेल रही थी। तभी वहीं पे लोकल कूड़े बिनने वाला एक व्यक्ति है खुर्शीद, वो उनको बहला फुसला कर दोनों बच्चियों को साथ में कहीं लेके गया और वहाँ उसने उनके साथ गलत संबंध बनाया। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई कर सकते हैं।